हेलो फ्रेंड्स, तो बॉटम डोम की बात करते हैं अपन। ये रहा अपना बॉटम डोम, ये मार्क करा हुआ है जहाँ, ये उसकी साइड में थिकनेस दी हुई है 200 mm और सेंटर में दी हुई है 150 mm। इसका डाया दिया हुआ है 3000 एंड इसकी जो डेप्थ दी हुई है वो दी हुई है 1 मीटर। तो आइए अपन फिगर बना के इसका फिर कैलकुलेशन शुरू करते हैं। साइड में 200 थी, मिड स्पान पे 150 mm है और ये इसकी डेप्थ 1 मीटर। डाया 3 मीटर दिया हुआ है, उसमें से अपन जो बीम साइज 400 दी हुई है उसमें से 200 अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो चारों तरफ से वो रिड्यूस हो जाएगा। ये इसलिए किया है क्योंकि अपन को कैलकुलेशन इनर फेस से करना है। अब पाइथागोरस लगाएंगे ए और बी को लेके, तो रेडियस निकल आएगा, बस रेडियस निकल आएगा। उसके बाद एक फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेशन कंप्लीट। ए की वैल्यू में क्या करना है, 1000 - 75। ये क्यों किया है कि मिड स्पान पे 150 mm की थिकनेस दी हुई है, तो 150 में से हाफ होगा तो 75, वो सब्ट्रैक्ट करके ए की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू अपन को पता ही है, तो बस पाइथागोरस में रख के उसका आर निकल आएगा, रेडियस आ गया 2.9। अब इसको अपन फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम फॉर्मूला है 2πRH × t। थिकनेस को क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे, 200 + 150 + 200/3, तो ये एवरेज थिकनेस निकल आएगी। एवरेज थिकनेस के बाद इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यू जो अपन को पता ही हैं, तो आपका वॉल्यूम निकल आएगा डोम का। ऐसे ही सेम टॉप डोम के लिए निकल आएगा वॉल्यूम।